दुर्ग के शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर से निकाली गई माता की पालकी वहीं इस पल को यादगार बनाने महाराष्ट्र से पहुंचे महिला और पुरुष का ढोल ग्रुप रहा आकर्षण का केंद्र। आयोजन इतना खास था कि लोग अपने घरों की छतों पर से देख रहे थे नजारा। दुर्ग के शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर से चैत्र नवरात्रि की नवमी व शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर के वार्षिक समारोह को यादगार बनाते हुए शाम शहर में माता की पालकी निकाली गई। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण महाराष्ट्र से पहुंचे महिलाओं व पुरुषों का ढोल ग्रुप रहा, जिसमें शामिल लगभग 70 महिला पुरुषों ने आकर्षक करतब के साथ ढोल ताशों की मधुर धुन से शहरवासियों का दिल जीत लिया, जिसकी एक आकर्षक प्रस्तुति देखने शहरवासी सड़कों पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये शोभा यात्रा शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर गंजपारा इंदिरा मार्केट मान होटल व चंडी मंदिर चौक होते हुए वापस शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर पहुंची। इस दौरान माता की पालकी पर शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर माता की पालकी का स्वागत भी किया और शक्ति चौराहा दुर्गा मंदिर के वार्षिक समारोह को यादगार बना दिया। इस मौके पर शक्ति चौराहा दुर्गा मंदिर समिति के अध्यक्ष योगेंद्र बंटी शर्मा ने बताया, उन्होंने महाराष्ट्र से विशेष ढोल मंगाकर लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया है। वहीं महाराष्ट्र से पहुंचे विशेष ढोल के सदस्यों ने भी दुर्ग शहर वासियों से मिले इस प्यार से अपनी खुशी का इजहार करते हुए शहर वासियों का धन्यवाद अदा किया। इस संबंध में न्यूज टीम को महाराष्ट्र से आए कलाकारों व मंदिर समिति के अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी। हम लोगों ने बनाया है माता की मंदिर को आज 12 वर्ष पूर्ण हुआ है। इस 12 वर्ष पूर्ण के बोले तो उपलक्ष्य पर वार्षिक उत्सव समारोह 9 दिवस तक चला है। शहर में बहुत सारे धार्मिक आयोजन शक्ति चौरा दुर्गा उत्सव समिति ने कराई है, जिसमें आज विशेष रूप से माता की पालकी शहर में नगर भ्रमण के लिए निकली है, जिसमें माता को पालकी में बैठा कर नगर भ्रमण कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ऐसी धुमाल पार्टी आई है जो किसी प्रकार का गाना डीजे धुमाल बजना या किसी प्रकार की कोई असामाजिक तत्वों का किसी प्रकार का जमवाड़ा ना हो, इसको लेकर महाराष्ट्र की एक बहुत ही प्रमुख जगदम्बा ढोल ताशा पतक ग्रुप वर्धा जो कि हमारे बीच में आज शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर समिति आया है, इसके लिए हम लोगों ने पूर्व में एक महीने से तैयारी की है। पूरे शहर के लोगों ने आज जगह जगह इस ढोल ताशा का स्वागत किया है। आज तक शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर समिति और शहर की जितनी भी शोभा यात्रा निकली है, एक अद्भुत और एक आकर्षित शोभा यात्रा के रूप में आज हम सभी को शहरवासियों को देखने को मिली है। माता रानी के दरबार से निकल कर शहर के विभिन्न स्थानों में यह शोभा यात्रा घूमी है। जगह जगह विभिन्न समितियों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा, राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा माता की पालकी का और ढोल ताशा ग्रुप पतंग का ऐतिहासिक स्वागत भी किया गया। धर्म के प्रति लोगों को जागृत करना और आजकल की जो प्रथा है डीजे या ढोल में असामाजिक तत्व किसी प्रकार का किसी हुड़दंग करते हैं, वो हुड़दंग को रोकने के लिए केवल धर्म के प्रति आस्था, सभी धर्म के प्रति आस्था से शक्ति चौरा दुर्गा मंदिर समिति रखती है, जिसमें सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। इस शोभा यात्रा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का सहयोग हमें मिला है और इस शोभा यात्रा में जगह जगह सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया है। यही एक शहर की और पूरे छत्तीसगढ़ की पहचान है कि यहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहे। आज कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे? हम 70 लोग आए हुए हैं। यहाँ पे हमें जो लोगों से प्यार मिला है, यहाँ के लोगों से जुड़ के हम
विराम। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।